स्फीयर ए एंड बी ऑफ मास एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली कोलाइड ए इज एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग द एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन, ठीक है क्या रहा है, आफ्टर कोलिजन बी हैज वेलोसिटी वी बाई टू इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, द मास ए मूव्स विद आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन पूछ रहा है, मेरी बात समझे कि नहीं। टू स्फीयर है, एक ए है भैया और एक दूसरा स्फीयर बी है, कह रहा है कि टू स्फीयर ए एंड बी, ए का मास बोल रहा है एम वन है और बी का मास कह रहा है एम टू है रेस्पेक्टिवली, ए इज रेस्ट, ये पहले क्या है रेस्ट पे है और बी इज मूविंग वेलोसिटी वी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में, ठीक है मेरी बात समझे, ये एक्स एक्सिस है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो, इस डायरेक्शन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं वाई बोल रहा हूँ, कोई आपत्ति, ठीक है भैया। अब ये कह रहा कि आफ्टर कोलिजन बी हैज वेलोसिटी, कितनी हो गई बी की वेलोसिटी, कितना हो गया v बाई टू परपेंडिकुलर, मतलब इधर v बाई टू से, इसका मास कितना है जी m2 इधर की ओर, कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है जी, उसके बाद ये कह रहा है आफ्टर v बाई टू और उसका डायरेक्शन पता नहीं है, तो पता नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ भी बना लो इधर v वेक्टर, v तो नहीं कहीं माने हो v डैश, ठीक है v वेक्टर मान लो, कोई दिक्कत, या ए था ना तो ऐसे मास भी तो बना लो, मास कितना था इसका एम वन, इसका वी ए का वेक्टर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अच्छा इसे वेक्टर तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो नहीं दिक्कत हो, मतलब वेक्टर तरीके से समझ, ये बोल दिया खुद है, ये बताओ अगर ये आई कैप है, ध्यान से देखना जरा, ये आई कैप है तो ये क्या होगा जी, जे कैप नहीं होगा, तो लिखना जरा भैया मेरे, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो जीरो है, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एम टू वी आई कैप, और इधर का लिखेंगे तो इसका मोमेंटम कितना है जी एम टू इंटू वी बाई टू जे कैप, और इसका पता ही नहीं है तो एम वन वी ए का वेक्टर, उसी का तो पता करने के लिए कह रहा कि बता दो भैया मेरे, है ना। तो इसमें क्या करना है जी, इसको इधर लाओ जरा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम वन वी ए का वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एम टू वी आई कैप माइनस एम टू वी वाई टू जे कैप, लिख सकते हैं जी, देख लेना भैया है। उसके बाद वी ए का वेक्टर निकालो जरा जी, वी ए का वेक्टर निकालोगे तो हो जाएगा एम टू डिवाइडेड बाई एम वन वी आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन वी वी डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई टू जे कैप, मेरी बात समझे कि नहीं, अब खत्म। अच्छा एक चीज मैं ऐसा कभी आप लोग को बताया हूं क्या, इसमें लेक्चर में नहीं थ्योरी में पढ़ाए होंगे, जाके देखना, अगर ये एक्स सॉरी आर वेक्टर, अक्सर हम शुरू किए होंगे वेक्टर आर इक्वल टू ये एक्स आई कैप और वाई जे कैप, जाके देखिएगा वेक्टर मैंने काफी डीपली कराया हूं, तो अगर ये डायरेक्शन निकालना हो, ये वेक्टर एक्स है ये वेक्टर हमारा वाई है, तो इसके पैरेलल इधर इसके पैरेलल इधर इसके, ऐसे नहीं लोग थीटा निकालते थे, तो मैंने तो यहाँ बताया था कि जब भी अगर आपको डायरेक्शन टेन थीटा निकालना है ना, तो जे वाले कोफिशियंट को ऊपर ले लो और एक्स वाले कोफिशियंट को नीचे ले लो, तो टेन थीटा इक्वल टू, ये मैंने कराया होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डी, थ्री डी भी बताया हूँ, आप एनसीईआरटी कर पढ़ रहे होंगे तो उसमें मिलेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डी में, ऐसा बताया होगा, मतलब जे के कोफिशियंट को ऊपर रख लेते हैं और एक्स के कोफिशियंट को नीचे रख लेते हैं, तो यानी इसमें हमको क्या करना है, खाली डिवाइड ही तो करना है जी, टेन थीटा बोला है, टेन थीटा कुछ बता दीजिए, वाइट कलर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, बोलो जी जे का कोफिशियंट कितना है जी एम टू डिवाइडेड बाई एम वन इन टू वी डिवाइडेड बाई टू माइनस के साथ है डिवाइडेड बाई, इसका कोफिशियंट कितना है जी एम टू डिवाइडेड बाई एम वन वी, ठीक है एम टू बाई एम वन, एम टू बाई एम वन कट गया, v से v कट गया तो माइनस वन बाई टू बचा, यानी टेन थीटा की वैल्यू जो आया माइनस का वन बाई टू आया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी टेन इनवर्स माइनस का वन बाई टू आएगा, ये ध्यान रखे रहना। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी,
इसमें ऑप्शन जो है टेन इनवर्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए।